नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और पूरी तैयारी करके हार्दिक पांड्या वापसी के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, एक खतरनाक भारतीय ऑलराउंडर जिसने सामने वाली टीम के हर बार दोस्तों जब जब बल्ला था मैदान पर आया, गेंद था मैदान पर आया, तो अपना कमाल जरूर दिखाया है। चाहे पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, कोई सी बड़ी टीम हो, हार्दिक पांड्या ने अपना नाम जरूर कमाया इन बड़े मुकाबलों से। लेकिन एक बार फिर से दोस्तों हार्दिक पांड्या ने वापसी की हुंकार भर दी है। हो सकता है श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज, वहां से हमें वापसी देखने को मिले, या फिर आईपीएल के मुकाबलों से ये वापसी करते नजर आए, क्योंकि इनकी निगाहें हैं वर्ल्ड कप जिताने पर। ये बात हम नहीं बल्कि खुद हार्दिक पांड्या ने कही है दोस्तों। आपको बताएं उनका बयान क्या सामने आया, उन्होंने ये बात कही है कि जिन मुकाबलों में मेरे को T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर रखा गया था, वहां मैंने गेंदबाजी करी, जहां गेंदबाजी नहीं करनी चाहिए थी, उसका रिजल्ट आप सभी ने देखा। मेरे को दिक्कत हो रही थी लेकिन फिर भी मैंने गेंदबाजी करने की कोशिश की, आप सभी ने देखा होगा। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले में उन्होंने गेंदबाजी नहीं करी थी T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन फिर उसके बाद अगले मुकाबले में गेंदबाजी करते नजर आए थे। दो बार कुछ गरीब गेंदबाजी करी थी इन्होंने। तो यही बात दोस्तों हार्दिक पांड्या कहते नजर आए कि जहां गेंदबाजी नहीं करनी चाहिए थी वहां मैंने गेंदबाजी फिर भी की, लेकिन अब ऑलराउंडर के रूप में वापसी करूंगा तो, और मुझे T20 वर्ल्ड कप में बल्लेबाज के तौर पर रखा गया था फिनिशर की भूमिका अदा करने के लिए, क्योंकि यूएई की पिच पर ज्यादा विकेट गिरते नहीं, लेकिन जब विकेट गिरते तो फिनिशर का बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है वहां बड़े मैदानों पर। तो वही काम के लिए हार्दिक पांड्या रखा गए थे, लेकिन अब यहां पर दोस्तों हार्दिक पांड्या ने अपनी वापसी के लिए हुंकार ऐसी भरी है। उन्होंने साफ कहा है कि मैं तैयारी इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं ऑलराउंडर के रूप में वापसी कर सकूं, ना कि एक बल्लेबाज के तौर पर, ना कि सिर्फ एक गेंदबाज के तौर पर, मैं ऑलराउंडर के रूप में मैदान पर करूंगा वापसी करूंगा। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी तैयारी ऑलराउंडर के रूप में और मैं ऑलराउंडर के रूप में ही मैदान पर आना चाहता हूं, हार्दिक पांड्या ने यह बात कही। इसी के साथ साथ वर्ल्ड कप को लेकर उन्होंने ये बात कर दी है कि मेरे अंदर इतना जोश, इतना जज्बा अब भर चुका है बैठे बैठे कि अब मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड कप जिता कर दूं अपने दम पर। जब वर्ल्ड कप मुकाबले शुरू हो तो मेरा जो फॉर्म है वो अपने नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाए, अपने आखिरी लेवल तक पहुंच जाए, जहां पर सामने वाली टीम के परखच्चे उड़ा दूं। तो ये बात हार्दिक पांड्या ने कही, उससे सुनकर 135 करोड़ देशवासियों का दिल खुश हो रहा है कि चलो कम से कम किसी के अंदर तो वर्ल्ड कप को लेकर ललक जती, क्योंकि हर कोई आईपीएल के लेकर होड़ मचाता है, कोई मुकाबले में सिर्फ जगह बनाने के लिए होड़ मचाता है। अभी तक किसी का ऐसा बयान सामने नहीं आया कि मैं वर्ल्ड कप जिताने के लिए खेल रहा हूं। पहले सचिन तेंदुलकर पाजी ऐसा बयान देते नजर आते थे, दिल खुश हो जाता था और उन्होंने करके भी दिखाया। अगर हार्दिक पांड्या ये कमाल करें, ऐसा नहीं है कि एक खिलाड़ी अपने दम पर वर्ल्ड कप नहीं जिता सकता। कई मौके पर दोस्तों एक एक खिलाड़ी ने यहाँ पर वर्ल्ड कप जिताया, कई बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज जिता कर दी है, वही कमाल हार्दिक पांड्या भी कर सकते हैं। ये तो बल्कि ऑलराउंडर हैं। और इस बार अगर बात करें तो दोस्तों अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी जो आईपीएल के साथ जुड़ी है, उन्होंने इनको 15 करोड़ में खरीदा है। तो एक बल्लेबाज के तौर पर तो नहीं खरीदा होगा, ये बात भी तय है। ऊपर से इनकी इंजरी भी इतनी होती है तो वो भी देख कर नहीं खरीदा होगा। इनकी कोई ना कोई डील ऐसी हुई होगी कि वापसी करोगे तो ऑलराउंडर के रूप में करोगे, और इसी के हिसाब से इनको पेड भी किया गया है। कप्तान के रूप में वहां नजर आएंगे, एक लीडरशिप क्वालिटी नजर आएगी इनके अंदर, ऊपर से ऑलराउंडर खिलाड़ी, तो मतलब सोने पर सुहागा हो जाएंगे हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या वापसी के लिए तैयार है और वर्ल्ड कप जिता कर देंगे दोस्तों, अगर इन्होंने हुंकार भरी है। देखते हैं कि कमाल कर पाते हैं या नहीं। रोहित शर्मा कप्तान है T20 ODI के, और टेस्ट कप्तान कौन बनेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। हार्दिक पांड्या की वापसी का सभी को बेसब्री से इंतजार है, अब तक की सबसे दमदार वापसी में से भी एक हो सकती है इनकी वापसी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।